रुल। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भारत चाइना बॉर्डर नहीं है कि जो दूसरे देश के लोग आ रहे हैं, ये यूक्रेन बॉर्डर नहीं है जहाँ पर जंग चल रहा है। ये एक बॉर्डर बनाया गया है ताकि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच ना करें। दोस्तों, हम जिस देश में रहते हैं, इस देश को आज़ादी आंदोलन के वजह से मिली है, लेकिन अब जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है। और 3 दिनों से जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनकी मांग है कि वो जाना चाहते हैं आगे और अपनी बात जो केंद्र सरकार है उसके सामने रखना चाहते हैं। आप ये तस्वीरों को देखिए, ये किसान हैं जो लोगों का पेट भरते हैं, ख़ास तौर पर ये पंजाब के किसान हैं, और इनके ही जो बच्चे हैं वो आर्मी में, फौज में इस देश की सेवा करते हैं, सरहदों पर रहते हैं, लेकिन इन्हें ही आगे जाने से रोका जा रहा है। बहरहाल, अब तक क्या हुआ है, आगे क्या कुछ होगा, 3रा दिन है, क्या कुछ सरकार से डिस्कशन हुआ है, इस पर आज चर्चा करेंगे। रमनदीप सिंह मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हैं। सर, 3रा दिन है ये, इससे पहले भी चर्चाएं हुई हैं, आप वहाँ पर गए हैं, 3रे दिन भी चर्चाएं हो रही हैं, आश्वासन तो पहले भी दिए गए थे, अब आप लोग जा रहे हैं तो क्या कुछ कहा जा रहा है आप लोगों की, जितने भी मांग है, चाहे वो MSP की मांग हो या फिर जो पुराने आरोपी थे टेनी उनके ऊपर कार्रवाई की मांग हो, या फिर जो किसानों के ऊपर जो मामले दर्ज है उसे वापस लेने की मांग हो, सरकार से जब बातचीत हो रही है क्या कुछ कहा जा रहा है और अब तक का स्टेटस क्या है? 3रे दिन हो चुका है आंदोलन, आप लोग यहीं पर हैं। जी, देखिए आज हमारी 3री मीटिंग है, तो पहली मीटिंग जो थी उसमें मैं था, जो थी दूसरी उसमें मैं था, तो हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। हमें वो घूम फिरा के यही बोलते हैं कि एक और MSP की कमेटी बना लेंगे, एम्पावर्ड कमेटी बनाएंगे, इस बार जो एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी है उसको भी ले लेंगे, जो हमारा रूरल सेक्रेटरी है उसको भी ले लेंगे, पावर सेक्रेटरी को भी ले लेंगे, होम सेक्रेटरी को भी ले लेंगे, 3 मंत्रियों को ले लेंगे, आपके साथ सीधा मंत्री जी बैठेंगे। तो हमने हाथ जोड़ के यही विनती की कि आपने MSP की जो थी कमेटी लास्ट टाइम ही बनाई थी, उसको टाइम हो गया 2 साल से ऊपर, और वो जो 37 मीटिंग हो गई उसकी, लेकिन उसमें मतलब उसमें हुआ ही कुछ नहीं काम। मैं कहा उसमें कुछ काम नहीं हुआ, आप हमें कह रहे हो एक और कमेटी, इस बार MSP ले, जो हमारी मांग है वो MSP की है, आपने हमसे वादा किया था कि MSP हम आपको देंगे, इस बार MSP लेके जाएंगे, उस अगर MSP ना मिली हम अपने घर नहीं जाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था, वो भी प्रधानमंत्री ने खुद, की जो किसान है 2022 तक आमदनी दोगुनी की जाएगी। तो ये सारी जो मांग लेकर जाते हैं, क्योंकि आप इस बैठक में रहे हैं, तो ये पहले भी तो इन्होंने MSP को लेकर एक समिति का गठन किया था, कुछ हुआ नहीं, इसलिए आप लोग वापस आए हैं, तो आप लोगों को सरकार की इस बैठकों पर भरोसा है या नहीं है? देखो जी, जो थी पहली बैठक उसमें कुछ नहीं निकला, जो थी दूसरी उसमें तो एकदम ही कुछ नहीं निकला। आज हम इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी आशा है, जो हमारे यहाँ पे आए हैं किसान भाई, हमें कोई शौक नहीं है उनके साथ मत्था लगाने का, हमें कोई शौक नहीं है टीयर गैस खाने का, हमें कोई शौक नहीं है लाठी गोली खाने का, तो हम तो वही मांग रहे हैं जो इन्होंने वादा किया था। तो आज आशा कम है, लेकिन आशा शायद ये उनकी हो जो थी मंशा की ना दें, लेकिन हमें अभी भी आशा है, इसलिए आज हम जा रहे हैं। सर, आज सुबह जब मैं दिल्ली से आया तो आमतौर पर मैं गाड़ी से आया था, तो आमतौर पर 3-4 घंटे लगने चाहिए यहाँ पर पहुँचने, सुबह 6 बजे निकलने के बाद यहाँ पर मैं 3-3:30 बजे शाम को पहुँच पाया हूँ, क्योंकि कई जगहों पर गड्ढे खोद दिए गए हैं, स्पाइक्स लगाए गए हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, डाइवर्ट किए गए हैं, और यहाँ पर भी जब आप देखते हैं कि ड्रोन से टीयर गैस हो रहे हैं, जबकि आप लोग से एक तरफ वो चर्चा करते हैं, दूसरी तरफ ड्रोन से टीयर गैस भी छोड़ रहे हैं, तब आप लोग क्या सोचते हैं, या फिर ये जो दो रवैया है इसे किस तरह से देखते हैं आप लोग? ये इनका जो रवैया है, जैसे हिंदी में बोलते हैं दोगला रवैया है। उस दिन हमारी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के अंदर ही मेरा वो जो हैंडल है ट्विटर हैंडल, तो उन्होंने विथहेल्ड कर दिया, तो मैं गया, तो वहाँ पे बैठे थे मंत्री जी पीयूष गोयल जी, मैं गया जी कि आप बोल रहे हो कि हमें एक दूसरे पे भरोसा करना है, वो जो तो कॉन्फिडेंस हमें एक दूसरे पे, आप भी करो हम भी करेंगे, मैं कहा हमारी मीटिंग चल रही है आपने मेरा बंद कर दिया, वो जो पंधेर साहब का बंद कर दिया, तेजवीर, मतलब ऐसे जो भी यहाँ पे हैं सारों के हैंडल बंद कर दिए। मैं कहा कारों का भी बंद किया, पुनिया जी का बंद कर दिया, हजमंदी पुनिया का कर दिया, नहीं उसका 1-2 दिन के बाद किया, अरे हम तो वहाँ पे बैठे थे मीटिंग चल रही थी उसी में कर दिया। तो मैं कहा पीयूष गोयल जी ये आपने क्या किया? अरे हमने कुछ नहीं किया। मैं कहा जी सोच लो, हमने कुछ नहीं किया। तो ये जो स्टेट के एग्रीकल्चर के मिनिस्टर थे धालीवाल साहब, वो साइड पे बैठे थे,
तो मैं कहा धालीवाल साहब फिर आपने किया। अरे हम क्यों करेंगे, हम तो किसान हितैषी। मैं कहा गोयल साहब भी किसान हितैषी, आप भी किसान हितैषी, हम रोड पे बैठे हैं। मैं कहा जी थोड़ी तो शर्म यानी कुछ होती है, और हमें कोई चक्कर नहीं, ये तो छोटी बात है ट्विटर हैंडल। अभी तो अरदास करके निकले हैं जी, जो भी आहूति देनी पड़ी देंगे, MSP के बिना तो बिल्कुल घर नहीं जाएंगे, ये बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है जी। अब 3 दिन हो चुके हैं, बातचीत का दौर जारी है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होगी, जैसे अभी भी आपने कहा, तो ये जो स्टैंड ऑफ है इससे आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार तो चर्चा के लिए बुलाएगी और आश्वासन देगी और यहाँ से आगे भी नहीं जाने देगी, तो फिर करेंगे क्या? ये तो एक डेडलॉक आ गया ना। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। हमारी स्ट्रैटेजी है कि हाथ जोड़ के, जो हमारा पहले प्लान था, हमने मोदी जी के पास जाना हाथ जोड़ के, भाई ये हमारी एप्लीकेशन है, आपने ये वादा किया था, इसको पूरा कर दो। अब हमारे जो मोदी जी हैं दिल्ली में हैं, तो हमने दिल्ली जाना है और दिल्ली जाएंगे, रोड से नहीं जाएंगे, तुम खेतों से जाएंगे, जाएंगे जरूर, इसमें तो कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए किसी को। मान साहब, क्योंकि यहाँ पर आंसू गैस दागे गए थे, आंसू गैस के गोले, तो किसानों को भी चोटें आई थी, अब उनके हालात कैसे हैं और क्या इनका हर इलाज चल रहा है या कुछ लोगों को फर्स्ट एड दिया गया? हमने ये भी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर खालसा एड मौजूद है, फर्स्ट एड मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, तो किसानों को चोटें भी आ रही हैं और दूसरी तरफ बातचीत भी कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले भी दाग रहे हैं, उन किसानों की हालत कैसी है और उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखो ये तो मेरे ख्याल से आज आए खालसा, आज ही आए ना खालसा एड वाले जी, आ गए जी कल, हाँ उससे पहले मेरे ख्याल से कल आ गए थे, तो उससे पहले तो एक दो दिन पहले। हाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारे SP साहब है अम्बाला के, रंधावा साहब, वो ऑन द रिकॉर्ड हैं कि जो हमारा पहला दिन था 13 का, उस दिन 4500 ये जो शेल होते हैं टीयर गैस के, इन्होंने फायर किए, ये ऑफिशियली बता रहे हैं। उस दिन तो ऐसे लगता था बॉर्डर है चीन का या पाकिस्तान का। तो आपकी बात सही है, चोटें लगी हैं, मैं तो अभी राजपुरा से आ रहा हूँ, मेरे हिसाब से कम 250 आदमी को चोटें लगी हैं, 250 लोग जी। नहीं आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ से इतना दूर नहीं है राजपुरा, 15-20 किलोमीटर है, वहाँ पे सरकारी अस्पताल है, आप वहाँ पे देख के आओ क्या हाल है। और वो क्या मांगने आए थे, वो ये मांगने आए थे कि जो प्रॉमिस किया मोदी जी ने, इनकी आप वो प्रॉमिस आप हमारे हाथ में दे दो, वो सिर्फ इतना मांगने आए थे। और यहाँ पे मिली टीयर गैस, और आगे जाएंगे तो क्या पता गोली भी मारें, और ऐसे भी बातचीतें हैं। आपको मैं शेल दिखा दूँगा, वो जो SLR के शेल हैं, मैं इसको कॉन्फर्मेशन से नहीं बोल रहा, लेकिन हमारे पास शेल हैं कि यहाँ तो इन्होंने हवा में फायरिंग की है, यहाँ जो हमारे ट्रैक्टर के टायर हैं उसके ऊपर फायरिंग की है इन्होंने, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये जो होता ना जबर होता है, वो इतना नहीं करना चाहिए कि जो आम जनता है वो एकदम ही खड़ी हो जाए, और आप देख लो आम जनता ही खड़ी है जी। हाँ जी, आखिरी सवाल यह है कि ये कब तक जारी रहेगा, जो किसानों का आंदोलन है ये कब तक जारी रहेगा? हमको जब तक MSP नहीं मिलती जी, कोई शंका वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल, तो जैसे कि कहा गया कोई शंका वाली बात नहीं होनी चाहिए, जब तक MSP नहीं मिलती है आंदोलन जारी रहेगा, जैसे पिछली बार था कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए, किसान मौजूद थे, कानून को वापस लिया गया, किसान आए, उस समय भी कई सारे आश्वासन दिए गए थे, अगर उसे पूरा किया जाता तो शायद यहाँ पर किसान नहीं आते, लेकिन आए हैं। और वो तस्वीरों को दिखाते हुए आपको बताना चाहता हूँ एक बार फिर से, ये चीन का बॉर्डर नहीं है जहाँ से चीन के जो लोग हैं वो भारत में एंट्री करते हैं, ये कोई वॉर जोन नहीं है, ये किसान हैं जिनको रोकने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, जिसके ज़रिए इस देश को आज़ादी मिली, उनको रोकने के लिए इतने बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों को चोटें भी आई हैं, यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है उनका आंदोलन जारी रहेगा, ज़रूर सरकार से बातचीत जारी है, लेकिन शायद किसान इस बार केवल आश्वासन से नहीं मानेंगे, वो चाहते हैं कि जो कहा जा रहा है उसको अमल में लाया जाए, और अगर वो किया जाएगा तो किसान वापस जाएंगे, नहीं तो किसानों का दिल्ली की ओर का कूच इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। शंभू वाटर से फिलहाल इतना ही, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, हम इस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके सामने लाते रहते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।